40 साल पुरानी वो लव स्टोरी जो अगले 49 दिन तक अखिलेश को दर्द देती रहेगी। जी हां, आपको बता दें, अखिलेश यादव मात्र 9 साल के थे, राजनीति या इश्क नहीं समझते थे। तब पापा के साथ खेलते हुए उन्हें ये पता नहीं था कि उस वक्त जो हो रहा था उस पर 40 साल बाद उन्हें जवाब देना पड़ेगा। 19 जनवरी 2022 को अखिलेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक पत्रकार ने पूछा, अखिलेश जी अपर्णा बीजेपी में चली गई, क्या कहेंगे? अखिलेश को जवाब देते नहीं बन रहा था, इतना ही कह पाए उनको शुभकामनाएं। जी आपको बता दें, देश में कांग्रेस टूट रही थी, यूपी में पिछड़ा वर्ग खास करके यादवों का दबदबा बढ़ रहा था। उन्हें उनके नेताजी जो मिल गए थे, जनता पार्टी और नई उम्र की लड़कियां तक उस हसमुख चेहरे पर फिदा थी। नाम है मुलायम सिंह यादव। तब उनकी मूछें काली थी, उम्र 43 साल। तब समाजवादी पार्टी नहीं थी, राष्ट्रीय लोकदल था। और अररिया जिले के बिधुना के रहने वाले कमलापति की 23 साल की बेटी राजनीति में कुछ करना चाहती थी। वो गोल मटोल स्वीट सी दिखने वाली लड़की कुछ राजनीतिक कार्यक्रम में आई। उसी दरमियान मुलायम की आंखें उनसे टकराई। उस लड़की का नाम है साधना गुप्ता। सिर्फ 3 ही शख्स जानते थे, उनका नाम था मुलायम सिंह यादव, साधना गुप्ता और अमर सिंह, जो अब नहीं रहे। शुरुआत में साधना और मुलायम की आम मुलाकातें हुई। मुलायम की मां की वजह से दोनों करीब आए। मुलायम की मां मूर्ति देवी बीमार रहती थी। साधना ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम और बाद में सफाई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मूर्ति देवी की देखभाल की। जी हां, आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उस समय साधना वहां मौजूद थी और उन्होंने नर्स को ऐसा करने से रोक दिया। साधना की वजह से ही मूर्ति देवी की जिंदगी बची थी। मुलायम इसी बात से इंप्रेस हुए और दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई। तब अखिलेश यादव स्कूल में स्टूडेंट थे। साल 1982 से 1988 तक अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को प्यार हो गया है। उन्होंने किसी से कहा नहीं, कहते भी कैसे? मुलायम के घर में पत्नी मालती देवी और बेटे अखिलेश थे। सच तो ये है कि सही तरीके से साधना मुलायम की जिंदगी में आई 1988 और 1989 में। मुलायम यूपी के CM बन गए। तब सेवा साधना को लकी मानने लगे। पूरे परिवार को बात पता थी, कहता कोई नहीं था। अब जब कुछ सामने आ ही रहा था तो 2007 में मुलायम ने अपने खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दे दिया। उसमें लिखा था, मैं स्वीकार करता हूं कि साधना गुप्ता मेरी पत्नी और प्रतीक मेरा बेटा है। अखिलेश अपने पिता से काफी नाराज थे। मुलायम ने अकेले लड़ाई करके विधानसभा चुनाव 2012 जीता और गद्दी दे दी। अखिलेश यादव को बोले, ले बेटा संभाल। 19 जनवरी को जब उसी साधना की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का झंडा थामा तो लोगों ने पूछा, क्या अखिलेश संभाल नहीं पा रहे हैं? फिलहाल वह इतना कहकर निकल गए कि उन्हें शुभकामनाएं। हालांकि सबको पता है अगले 49 दिन यानी 10 मार्च तक उन्हें 40 साल पुरानी लव स्टोरी दर्द देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।